क्लासेस चल रही है, एग्ज़ाम है इनके छोटे छोटे के, और ये क्लासेस चल रही है, इनकी एग्ज़ाम स्टार्ट है। देखिए कोई चीटिंग नहीं करता है, मुझे नहीं पता कौन कौन कहता है कि चीटिंग होती है, लेकिन देखिए ये कन्वर्ट कर रहा है इसे क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद क्या कर दिया मैंने लंच तैयार, और थोड़ा मेरी तबीयत सी आज ख़राब है, तो फिर मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, और लंच में बनाया मैंने घिया की सब्जी, आलू मिर्च की सब्जी, ये रायता, और यहाँ है मेरी प्लेट, मुझे चावल खाने हैं थोड़े से, तो मैंने सोचा रोटियाँ, जिनको रोटी खानी थी। देखिए ये है मेरी लो वेस्ट साड़ी या हाई वेस्ट साड़ी, जैसे भी आप बोलना चाहें वैसे कह सकते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, मैंने टक्स कर लिया है, और टक्स करने के बाद ये मेरे पास लाइट क्रीम कलर की साड़ी है, दो साइडेड में है, तो उसके बाद इसकी प्लेट्स देखिएगा कितनी क्लियर रहेंगी, एक दो तीन चार पाँच छ और सात, और ये मेरा पल्लू अलग से दे रखा है, तो इसी वजह से मैं सिर्फ 7 प्लेट्स लिए हैं मैंने, उसके फर्स्ट वाले को ऊपर उठा लेंगे और इसे अंदर कर देंगे, और उसके बाद देखिए ये है प्लेट्स, ये नहीं इसकी साड़ी, और ये है इसका लुक, देखिए ये हो गया सिंपल में, जिनको सिंपल में पसंद है वो, और इसे लो वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ये वाला होता है पोर्शन, इसे हम नीचे की तरफ थोड़ा कर लेंगे, तो इससे ये लो वेस्ट अंदर की तरफ चल जाएगी, और फिर हमारी साड़ी का कुछ लुक इस तरह से आएगा। फिर देखिए ये थी मेरी क्रीम कलर की साड़ी पे, और ये है हैंकी, इसे फोल्ड करके, जो टीचर्स वगैरह होती है ना वो ज़्यादातर मतलब अपने इनसाइड में वो करती हैं टकिंग एंड फोल्डिंग, देखिए जिनको हैंकी की ज़रूरत होती होगी शायद वो यूज़ करती होंगी, तो उसी से रिलेटेड सरोजनी मैम ने मेरे को बोला था, तो कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने हैंकी इस तरह से इंसाइड किया कि हैंकी की पता भी नहीं लग रही है, और जो यूज़ करते होंगे उनके लिए बेस्ट है, तो हो गया मैम डन, ओके। देखिए ये मेरी दो साइडेड साड़ी है, पिंक और क्रीम कलर में, और मुझे क्रीम कलर में किया था मतलब एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने बोला था कि वाइट या क्रीम कलर में एक साड़ी का ड्रेप डालिएगा, और एक सरोजनी मैम है उन्होंने मेरे को बोला था कि मतलब टकिंग एंड फोल्डिंग इन साइड हैंकी का ड्रेप डालिएगा, वो मैंने ट्राई किया है, तो आप बताइएगा कि मतलब आपको कैसा लगा, जबकि लो वेस्ट साड़ियाँ मुझे पसंद नहीं है, अदरवाइज फिर भी मैंने अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे मैंने ट्राई किया है, तो आप बताइएगा कि ये
ब्लॉग आपको कैसा लगा। रूटीन लाइफ के बाद मुझे जो भी मतलब मेरा टाइमिंग निकलता है मैं उसमें थोड़ी सी मस्ती थोड़े सा ट्राई करती हूँ अपनी साड़ियाँ कपड़े वगैरह जितने भी मतलब डिज़ाइनिंग कपड़े मेरे पास होते हैं, क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है और मुझे ये सब चीज़ें मतलब पसंद है। और फैशन से रिलेटेड जो भी मतलब टॉप ड्रेसेस लहंगे जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह का वो है। और नेक्स्ट साड़ी जो कांजीवरम मैंने बताई थी ये तो मैंने रिसेंटली मेरे पास ज़्यादा रिकमेंड आ रही थी कमेंटेड थी कि मतलब ये आप कीजिए, तो इसलिए मैंने आज कर दी है। अदरवाइज मैं कल जो करने वाली हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ मैं कौन सी साड़ी का ब्लॉग डालूंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बात कर लूँ आज आपसे, तो उसी वजह से मैंने थोड़ी सी बात करनी आपसे पसंद करी। तो ये देखिए ये मेरी कांजीवरम साड़ी है, ये केरल से आई है मेरे लिए। और इस साड़ी का फोल्ड अप इतना बढ़िया फोल्ड है, देखिए इतने से में फोल्ड हो जाती है। और इसका लुक माय गॉड, तो देखिएगा आपको कैसा लगे। ये मैं कल डालने वाली हूँ तो फिर आप देखिएगा और सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच। अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड, हम चलते हैं सोने के लिए। और कल एडवांस में हैप्पी तीज ऑल ऑफ यू। और कल तीज है तो कल का जो ब्लॉग रहेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। कोई साड़ी जो मेरी बेहतरीन साड़ी होगी, ग्रीन कलर की मेरी हैवी वाली साड़ी है, उसी का ड्रैप होगा। तो मिलते हैं कल, और क्योंकि तीज है तो तीज के हिसाब से मैं फेस्टिवल लुक देने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं सब, गुड नाइट एंड हैप्पी तीज ऑल ऑफ यू, बाय।